स्टूडेंट्स हमने प्रैक्टिकली साबित करना है कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड उसकी लेंथ के स्केयर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जैसे कि यहाँ पे आप एक सिंपल पेंडुलम देख रहे हैं जो कि एक मेटल बाब उसके साथ लगे हुक और हुक से बंधे हुए थ्रेड और थ्रेड जो कि दूसरे एंड से अटैच होता है किसी स्पोर्ट के साथ इस पर मुश्तमिल होता है ये सिंपल पेंडलम अपनी मेन पोजिशन के लॉन्ग ऑसिलेट कर सकता है वाइब्रेट कर सकता है और इस स्पोर्ट से लेकर इस बैटल बाप के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो इसकी लेंथ कहलाता है और इसमें थ्रेड की लेंथ भी आ जाती है हुक की लेंथ भी आ जाती है और रेडियस आ जाता है मेटल बाप का अब जब ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है यानी कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है तो जितने टाइम में वो वाइब्रेशन कंप्लीट करता है उसको हम इसका टाइम पीरियड कहते हैं तो हमने देखना है इस प्रैक्टिकल में प्रैक्टिक प्रैक्टिकल में साबित करना है कि टाइम पीरियड सॉरी अगर लेंथ हम बढ़ाएं तो टाइम पीरियड भी जो है वो लेंथ के स्केयर रूट के हवाले से बढ़े यानी कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर रूट ऑफ लेंथ हो हमने ये साबित करना है अगर हम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला देखें तो वो हमारे पास है टी इज इक्वल टू पाई इंटू रूट ऑफ एल ओवर जी यहाँ पे एल जो है ये लेंथ ऑफ पेंडुलम को रिप्रेजेंट कर रहा है जी जो है ये ग्रेविटेशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम टू पाई जो कांस्टेंट है और जी कांस्टेंट है इसको अगर हम हटा दें तो हम देखते हैं कि हमारी इक्वेशन जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज हो जाएगी कुछ इस तरह से कि टी इज प्रोपोर्शनल टू स्के रूट ऑफ एल अब हम टू पाई और जी का जिक्र किए बगैर अगर हम इसी प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेशन में चेंज करना चाहें दोबारा से तो हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेशन में चेंज करने के लिए राइट right साइड पे हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो स्केयर रूट ऑफ एल को मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया अब इस इक्वेशन में अगर मैं स्केयर रूट ऑफ एल को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूं तो हम देखते हैं कि ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो टी बाय स्केयर रूट ऑफ एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि ये फॉर्म बन जाएगी तो हमने यहाँ पे टाइम पीरियड और लेंथ की मुख्तलिफ वैल्यू लेते हुए फिर टी डिवाइड बाय स्केयर रूट ऑफ एल कैलकुलेट करना है और देखना है कि क्या हर दफा एक्सपेरिमेंट दोहराते हुए वैल्यू एक ही आती है यानी कि टी डिवाइड बाई स्केयर रूट ऑफ एल कॉन्स्टेंट आता है या नहीं अगर कॉन्स्टेंट आता है तो इसका मतलब ये है टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन टू स्केय रूट ऑफ एल या टी इज प्रोपोर्शनल टू स्केयर रूट ऑफ एल यानी कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केर रूट ऑफ लेंथ साबित हो जाएगा तो अप्रेटस डिस्कस करेंगे सबसे पहले यानी कि अप्रेटस देखेंगे क्या अप्रेटस हमें चाहिए प्रोसीजर डिस्कस करेंगे मेजरमेंट्स लेंगे कैलकुलेशंस करेंगे उन्हीं मेजरमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए रिजल्ट यानी कि डिवाइड ऑफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये देखेंगे जिससे साबित होगा कि टी इज प्रोपोर्शनल टू स्केय रूट ऑफ एल तो अप्रेटस में हमें मेटल बाब चाहिए होगी जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्फेरिकल बॉल जिसके साथ एक हुक अटैच होता है हमें वर्नियर कैलिपर्स चाहिए होगा हमें स्टैंड चाहिए होगा उसके साथ क्लैम्प चाहिए होगा एक कार्बन कॉक चाहिए होगा जिसके दरम्यान में सुराख हो मीटर रूलर चाहिए होगा थ्रेड चाहिए होगा जो कि इनएक्सटेंसीबल हो यानी कि खींचने से उसकी लेंथ में इजाफा ना हो और स्टॉप वॉच चाहिए होगी अब प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने इस मेटल बाप का डायमीटर फाइंड आउट करना है वर्नियर कैलिपर्स की मदद से तरीकाकार हम एक पहले एक प्रैक्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं कि वर्नियर कैलिपर्स की मदद से हम किस तरह से आ, डायमीटर फाइंड आउट करते हैं तो उसी तरह से हमने स्वेरिकल सॉरी इस स्वेरिकल मेटल बाप का डायमीटर फाइंड आउट करते हुए फिर हमने इसका रेडियस कैलकुलेट करना है डायमीटर जो हमारे पास आएगा उसको टू पे डिवाइड करते हुए तो स्टूडेंट्स मैंने कैलकुलेट किया डायमीटर सॉरी फाइंड आउट किया वर्नियर कैलिपर की मदद से और रेडियस कैलकुलेट किया और वैल्यू मैंने नोट की जो कि यहां पे आप देख रहे हैं रेडियस ऑफ बाप इज हमने क्लैंप को रॉड के साथ एडजस्ट करना है क्लैम्प में कॉर्क एडजस्ट करना है और थ्रेड की एक स्पेसिफिक लेंथ लेनी है जिसका एक सिरा हमने बाप के साथ लगे हुए हुक से बांधना है दूसरा एंड जो है वो हमने कार्क में से गुजारते हुए ऊपर बांधना है और बाकी प्रोसीजर अगर इस एनिमेशन की मदद से समझे तो आप देख रहे हैं कि यहां पे मैंने सिंपल पेडलम को एडजस्ट कर लिया है और लेंथ जो हमने यहाँ पे रखनी है वो स्पेसिफिक रखनी है और यहां से यानी कि का के नीचे से लेकर हुक के साथ साथ जो शामिल यानी कि हुक को भी शामिल करते हुए हमने लेंथ जो है वो स्पेसिफिक रखनी है और इस लेंथ को नोट भी करना है मीटर रूल की मदद से मैं फाइंड आउट करूंगा ये लेंथ तो आप देख रहे हैं कि मीटर रूल इस तरह से रखते हुए हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है जहां से थ्रेड कॉक में से निकल रहा है वहां से लेकर हुक के नीचे तक की हमने लेंथ लेनी है और नोट डाउन करेंगे इस लेंथ को तो आप देख रहे हैं कि लेंथ जिसको मैंने L1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है जो कि थ्रेड प्लस हुक की कम्बाइन लेंथ है 59 सेंटीमीटर मैंने एडजस्ट की है अब इसमें बाप का रेडियस अगर हम एडअप करें जो कि था 1 सेंटीमीटर तो 59 नाइन प्लस वन सिक्सटी सेंटीमीटर मेरे पास आ रहा है आंसर जो कि टोटल लेंथ ऑफ पेंडोलम है जो हमने यहाँ पे नोट कर ली है और 60 का स्केयर रूट लेते हुए 7.75 जो मेरे पास आंसर आया आप देख रहे हैं कि स्केयर रूट ऑफ एल के कॉलम में मैंने यहाँ पे लिख लिया है स्टॉप वॉच हमारे पास सेट कंडीशन में है यानी कि जीरो जीरो पे अब मैं ऑसिलेट करवाऊंगा पेंडुलम को 10 टेन के लिए वाइब्रेशन के लिए स्टॉप वॉच की मदद से टाइम नोट करूंगा उन टेन ऑसोलेशन का और मुझे करना ये होगा कि सिंपल पेंडुलम को उसकी मीन पोजिशन से डिस्प्लेस करवा के छोड़ना होगा पहली ऑसिलेशन फ्री जाएगी और ऑसिलेशन तब जो है वो असल में हम काउंट करें करना शुरू करेंगे जब ये हमारे बिल्कुल सामने से यानी के रॉड के सामने से गुजर रहा होगा तो इस तरफ जाएगा फिर वापस आएगा फिर इस तरफ जाएगा फिर वापस आएगा तो दूसरी एक्सट्रीम पोजिशन कवर करते हुए रॉड के सामने आएगा तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगी पहली वाली ऑसिलेशन में फ्री जाने दूंगा दूसरी ऑसिलेशन से मैं स्टार्ट करूंगा और जीरो से काउंट करते हुए टेन तक काउंट करूंगा और नंबर ऑफ टेन ऑसिलेशन जैसे ही कंप्लीट होंगी सॉरी जीरो जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा स्टॉप वॉच ऑन कर दूंगा टेन ऑसिलेशन जैसे ही कंप्लीट होंगी स्टॉव ऑफ कर दूंगा तो वो टेन ऑइसोलेशन का टाइम हमें मिल जाएगा ऑसिलेट करवाते हैं पेनल को जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो टेन ऑसोलेशन कंप्लीट होते ही स्टॉप वॉच मैंने ऑफ कर दी टाइम मेरे पास जो आ रहा है इस दौरान में टेन ऑसोलेशन का वो मैं नोट करूँगा तो आप देख रहे हैं ये टाइम मेरे पास 15.98 पॉइंट सेकेंड आ रहा है मैंने राउंड ऑफ करते हुए टाइम पुट किया है और स्टूडेंट्स इसी लेंथ के लिए हम दोबारा से ऑसिलेट करवाएंगे सिंपल पेंडुलम को और एक दफा फिर 10 ऑसोलेन का 10 वाइब्रेशन का टाइम नोट करेंगे तो वही लेंथ रखते हुए जब मैंने ऑसिलेट करवाया आप देख रहे हैं कि दूसरी दफा का टाइम मेरे पास फिफ्टीन पॉइंट आ रहा है मैं दोनों दफा के टाइम को एडअप करके टू पे डिवाइड करते हुए मीन निकालूंगा तो आप देख रहे हैं मैंने दोनों टाइम को ऐड करते हुए टू पे डिवाइड करते हुए मीन निकाला 15.55 सेकंड अब टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए टोटल इस टाइम को टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो कि 10 है उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा जो कि एक ऑसिलेशन का टाइम एक वाइब्रेशन का टाइम होता है तो इस तरह से वन पॉइंट सॉरी फिफ्टीन पॉइंट फाइव फाइव डिवाइड बाई टेन किया तो वन पॉइंट फाइव सिक्स सेकेंड मेरे पास टाइम पीरियड आ रहा है अब मैं टी डिवाइड बाई स्केयर रूट ऑफ एल जो है ये कैलकुलेट करूँगा यानी कि टी की ये जो वैल्यू आई है इसको स्केयर रूट ऑफ एल की इस वैल्यू पे डिवाइड करूंगा तो आप देख रहे हैं मैंने टाइम पीरियड को स्केयर रूट ऑफ एल पे डिवाइड किया 0.201 सेकंड पर सेंटीमीटर जीरोमी मेरे पास आंसर आ रहा है मैंने नोट कर लिया प्रैक्टिकल दोहराऊंगा लेकिन अब लेंथ चेंज कर दूंगा थ्रेड की मैंने लेंथ की सॉरी थ्रेड की लेंथ थोड़ी बढ़ा दी है और हुक के साथ यानी कि हुक को भी इस दरम्यान में शामिल करते हुए मैंने उसी तरह से लेंथ थ्रेड की और हुक की कंबाइनली फाइंड आउट की जो मेरे पास रीडिंग मीटर रूल की मदद से आ रही है वो मैंने नोट की तो मेरे पास इस दफ़ा की लेंथ जो थी वो 69 सेंटीमीटर मैंने रखी लेंथ थ्रेड की और हुक की कंबाइन जो कि एल वन है इसमें मैंने जब बाप का रेडियस एडअप किया तो टोटल तो 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 पेंडुलम की लेंथ 70 सेंटीमीटर हो गई इसका मैंने स्केयर रूट ले लिया तो स्केयर रूट ऑफ एल एट मेरे पास आ रहा है अब मैं इसी तरह से ऑसिलेट करवाऊँगा सिंपल पेंडुलम को और टेन ओसीलेशन के लिए टाइम चेक करूँगा स्टॉप वॉच की मदद से दो दफा ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन ऑसलेस का जो टाइम मेरे पास आ रहा है वो मैं नोट करूंगा और इसी तरह से फिर दोहराते हुए प्रैक्टिकल एक दफा फिर इसी लेंथ के लिए दोबारा से टाइम लूंगा पहली दफा का टाइम मेरे पास उसी लेंथ के लिए यानी कि 70 सेंटीमीटर के लिए 16.9 सेकंड आया और अगली दफ़ा 16.7 सेकंड आया दोनों को एडअप करते हुए मीन फाइंड आउट करूंगा और फिर टाइम पीरियड फाइंड आउट करूंगा अब स्टूडेंट्स टाइम पीरियड की ये वाली वैल्यू को मैं इस वाले लेंथ के स्केर रूट पे यानी कि ये स्केयर रूट ऑफ एल पे मैं डिवाइड करूंगा तो आप देख रहे हैं इस दफ़ा भी आंसर मेरे पास 0.201 आया है अब मैं दोबारा से फिर लेंथ जो है वो थोड़ी चेंज कर दूंगा थ्रेड की और उसी तरह से जो है वो टोटल लेंथ के मुताबिक मैं ऑसिलेट करवाऊंगा पेंडलम को टेन आउसोलेस का टाइम देखूंगा टाइम पीरियड्स के रूट ऑफ एल और फिर टाइम पीरियड ऑफ एल कैलकुलेट करूंगा अब की दफा लेंथ थ्रेड की होगी 79 सेंटीमीटर आई थी और टोटल लेंथ पेंडुलम की 80 सेंटीमीटर बन गई उसका से फाइंड आउट किया तो आ गया मेरे पास और के इस वैल्यू को मैंने रूट ऑफ लेंथ की इस वैल्यू के साथ जब डिवाइड किया तो अब की दफा भी 0.201 मेरे पास वैल्यू आ रही है आप देख रहे हैं कि हर दफा के लिए लेंथ मुख्तलि हर दफा के लिए टाइम पीरियड जो है वो मुख्त है लेकिन टी डिवाइड बाय स्केयर रूट ऑफ एल हर दफा एक ही वैल्यू आ रही है यानी कि कॉन्स्टेंट आ रही है तो इससे फिर साबित हो जाता है कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर रूट ऑफ एल यानी कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर रूट ऑफ इट्स लेंथ ये हमने प्रैक्टिकली साबित कर दिया